जय हिंद भाइयों, सभी ड्राइवर भाई, ओला उबर में जितने भी गाड़ी चला रहे ना, उन सब भाइयों को मेरा राम राम। भाई मैं दिल्ली NCR के अंदर पिछले 9 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। भाई साहब जो सिचुएशन आज है ना टैक्सी की, इतनी बुरी सिचुएशन जिंदगी में आज तक मैंने कभी नहीं देखी। कोई सा भी मेरा भाई ओला या उबर चलाने वाला, पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद भाई यदि वो बंदा 18 घंटे तक कम ड्यूटी चला के 500 रुपये कमा के दिखा दे, भाई तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। जो भाई कम से कम 12-15 घंटे गाड़ी चलाएगा ना, वो 700-800 रुपये कमा रहा है गाड़ी की किस्त विस्त काट के। भाइयों आप एक चीज़ सोच लो कि जब मैं 2009 में गाड़ी चलाता था ना, जब इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल आज है। और कस्टमर ना भाई साहब आपकी लोकेशन पे घर तक गाड़ी मंगाता है, चाहे आपकी पहुँचे चाहे ना पहुँचे, भाइयों उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। क्लाइंट लोकेट पे आना चाहिए। नेविगेशन भी हमारा काम नहीं करता है। नेविगेशन भाई साहब कभी इस साइड दिखा देगा तो कभी इस साइड दिखा देगा, कस्टमर कहीं दूसरी जगह खड़ा होगा, कंपनी DD लगा देती है। ठीक है भाइयों, कंपनी वाले लूट रहे हैं। कस्टमर का बिल बनेगा 335 रुपये का, हमें मिलेंगे 225 रुपये। आप भाई ये लगा लो कि आप 18 घंटे 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हो ना, 15 घंटे ड्राइविंग करने के बाद में आपकी कमर की क्या हालत हो रही है, आपके हाथ गोड़ काम कर रहे हैं। भाई साहब कम से कम आप लोग अपनी लाइफ के ना 20 साल कम कर रहे हो जिंदगी जीने के। जो आज तुम 2-4 रुपये जो सोच रहे हो ना कि मैंने आज 1000 कमा लिए, आज 1200 कमा लिए, जिन भाइयों को ये भूत है कि मैंने 1000 कमा लिए या 1200 रुपये कमा लिए, भाई उन बंदों को ना वही बंदे इस पैसे को अपनी बीमारी में आगे चल के लगाएंगे। इस बात को मैं लिख के देता हूँ। महान डॉक्टर किसी एम्स के या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ आप, वो बंदा भी बोलेगा कि भाई साहब आप 10 घंटे से ज़्यादा बैठते हो या ड्राइव करते हो ना, तो आप खुद आपकी ये हड्डियाँ हैं ना पीछे की रीढ़ की हड्डी, मेरी भाई खुद की रीढ़ की हड्डी इतना दर्द करती है, इतना कमर दर्द करती है भाइयों, कि इसका कोई बुरा हाल नहीं, समझे। कंपनी वाले पैसे देने को तैयार नहीं है। कल मेरे साथ क्या हुआ, एक लेडीज बैठी गाड़ी में, शेयरिंग की ड्यूटी डाली, लोकेशन पर जाके पहुँच गया, मैंने बोला पैसे जी दे दो, बोली भैया मैं आपको लोकेशन पर पहुँच के पैसे दे दूँगी। ठीक है जी, ड्राइवर की मानवता है जी, यदि ड्राइवर करता है तो गलत है, नहीं करता है तो सही है। मैं उन्हें वहाँ लेके गया जी, लेडीज बोलने लगी भाई मेरी ये लोकेशन नहीं है, मेरी दूसरी लोकेशन है, वहाँ लेके चल। तो मैं कहा आप बता दो जी, आप बता दो मेरे को कहाँ पर लेके चलना है। बोली नहीं मेरे को नहीं पता, आप मेरी लोकेशन पर लेके चलो, नहीं तो तेरे को थाने में बंद करवा दूँगी, तेरे कंप्लेंट करवा दूँगी, तेरा लाइसेंस रद्द करवा दूँगी, तेरे ऊपर ये केस चार्ज करवा दूँगी, तेरे को जेल भिजवा दूँगी। ठीक है जी, इस टाइप का भी लड़कियों का ग्रुप चल रहा है और वो ज़बरदस्ती मतलब ऐसी लोकेशन डालती हैं जहाँ जंगल वंगल से मैं ले जाएंगी और वहाँ जाके बोलेंगी तेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे दे, नहीं तो तेरे ऊपर रेप चार्ज लगा दूंगी, तूने मेरे को छेड़खानी करी, तू मेरे को जंगल में ले गया। भाई साहब किस बाबड़े आदमी ने, किस ड्राइवर भाई ने इस बात का वो होगा कि भाई कौन लेके जाएगा यार आपको जंगल में, हम क्यों लेके जाएंगे आपको जंगल में। एक बात बताओ, आपने लोकेशन डाली है जो आपका नेविगेशन दिखा रहा है, हम आपको वहाँ लेके आए। ठीक है जी, अब वो वहाँ जाके मेरे से कह रही है पैसे दे, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो पैसे दे, नहीं देगा तो तेरे ऊपर रेप चार्ज लगवा दूँगी, तेरे को जेल भिजवा दूँगी, तेरा ये करवा दूँगी, तेरा वो करवा दूँगी। ठीक है जी, थाने ले जाऊँगी, तेरे कंप्लेंट कर दूँगी, मैं तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूँ। अरे मैडम मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आप मेरी गाड़ी में से उतर जाओ, सुबह का टाइम है, मैंने 200 रुपये कमाए हैं उसमें, तभी मैं आपको दे दूँगा, मेरे बालक भी तो है, गाड़ी किस्त भी तो भरनी है। भाइयों मैं हाथ जोड़ के सब भाइयों तक कह रहा हूँ, भाई ओला उबर में नौकरी करना छोड़ दो। और भारत के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी कहूँगा सर आप ना, जैसे आपने पेटीएम चला तो आपने एक भीम ऐप लॉन्च कर दिया जी, सब लोग भीम ऐप से पैसे डाउन वो करेंगे और चलने लगे, ऐसे ही आप सर एक टैक्सी ऐप लॉन्च कर दो ना, जो कंपनी वाले हमसे 20% भी काट रहे हैं, ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। भाई साहब कोई सा ही माई का जया लाल ड्राइवर ना आज की सिचुएशन में 12 घंटे ड्यूटी करके अपनी गाड़ी की किस्त काट के CNG काट के 500 रुपये कमा के दिखा दे, तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा भाई, जहाँ बोलेगा वहाँ गुलामी करूँगा, उसके घर पर गोबर डालने होती आ रहा हूँ। भाई इतना बुरा हाल है कि माइनस में ड्यूटियाँ बजाती है कंपनी तो ले रही है 475 रुपये, ड्राइवर को दे रही है ऑपरेटर बिल 223 रुपये, उसमें भी फिर इंसेंटिव देती है, उन सेंटिव में भी वो अपना कमीशन काट लेती है, देती नहीं बाबा जी का ठुल्लू भी।
ठीक सर, नितिन गडकरी जी आप मेरी याद भाई साहब कभी आप तक मतलब बाबूजी ये बात पहुंचे ना तो कम से कम आप एक काम कर दो, हमारा देश मतलब पहले जब गुलाम हुआ था ना किसी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब लोग अनपढ़ थे, आज तो भाई साहब पढ़े लिखे लोग भी गुलाम बन गए कंपनियों के, चाहे वो स्विगी है, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो ऊबर है, चाहे ओला है, चाहे कोई सी भी कंपनी है ना, इनने हमें गुलाम बना लिया है सर, गुलाम जिसको बोलते नहीं कतई गुलामी वाली बात हो गई है सर, कुछ नहीं रहा जी बिल्कुल भी, कस्टमर पैसे पे करता है ऐसी बात नहीं है, कस्टमर पैसे नहीं देता, कस्टमर पे तो 600 का बिल बनता है लेकिन हमारे को वही मिलेंगे 300 रुपये जी, ठीक है सर, आप हम तक 10% 20% जो भी हम तक जो आप अपना टैक्सी ऐप लॉन्च कर दो सर, जो भी आप हमसे लोगे ना ओला उबर में जितने भी भाई काम कर रहे हैं ना सब भाई इस चीज़ को तैयार हैं कि सर आप एक ऐप लॉन्च कर दो सर, हम उसमें चला लेंगे, हम तक 5% 10% जो भी कमीशन काटेंगे हम कटवाने को तैयार, कम से कम हमारे हमें रेट तो मिलेंगे सर, एसी में चला के गाड़ी कस्टमर बैठ जाता है और लोकेशन उसकी वहाँ दिखा रहा है, बंदा वहाँ पहुँच के भी बदतमीजी करता है कि भाई तू यहाँ नहीं पहुँचा तेरे साथ ये कर दूंगा, फट दी से कंपनी डीडी लगा देती सर, कंपनी को हम लोग फ़ोन करें कंपनी हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है सर, मैं दिल्ली पुलिस के सभी भाइयों को भी सलाम करूंगा, कम से कम वो इतनी हेल्प करते हैं कि कई बार तो ना ये कस्टमर बैठ जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे और बदतमीजी करेंगे, फिर 100 नंबर पर फ़ोन करो, बेचारे पुलिस वाले भी रात में 3-3 बजे भग के आते हैं, मैं सलूट करता हूं सभी दिल्ली पुलिस के भाइयों को, NCR के सभी पुलिस वाले भाइयों को जो कम से कम हम लोगों का साथ दे रहे हैं, नहीं कंपनी ने तो हमें कतई रोड पर ला के रख दिया है, कतई रोड पर, जय हिंद दोस्तों, कम से कम मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ भाई ओला उबर यार हम सब ने इतना तो कमा लिया है कि यार एक एक महीने तो हम नहीं चलाएंगे ना तो कम से कम अपनी किस्त भर देंगे, है ना, कहीं से भी भर देंगे यार, इतना तो है भगवान ने, इतना तो दिया है सब भाइयों ने, जिनने भी गाड़ी डाल रखी है ना उनके पास इतना तो है कि वो एक महीने किस्त भर देंगे, भाई साहब आप एक महीने के लिए गाड़ी बंद कर दो ना, देखो कंपनी वाले आपके पीछे आके कैसे घूमते हैं, कैसे पैसे नहीं देंगे यार, मतलब साढ़े आप हम तो ले रहे हैं कस्टमर से ले रहे हैं 700 रुपये हमको दे रहे हैं 300 रुपये, इतना इतना लूट मचा रखी कंपनी वालों ने कि सर इसका कट गया उसका कष्ट गया, कस्टमर हम में जूते मारता है अभी, हाँ तो 155 रुपये दिखा रहा था तू तो 265 बता रहा है, तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें भाई, सबसे ज़्यादा शेयर करें, मैं सब तक कह रहा हूँ भाई साहब, कम से कम आप देख लो कि मतलब आज आपको टैक्सी चलानी है ना, आपका आने वाला कल भी तो चलाएगा ना टैक्सी, आपके बालक भी तो चलाएंगे भाई साहब, मैं अकेला या मैंने मेरे चलाने थे या मेरे ना चलाने थे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है नहीं मैं छोड़ दूंगा एक दो भाई और भी छोड़ देंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई साहब ये चीज़ तो आगे भी चलनी है ना, तो इसका एक सिस्टम बने, दिल्ली गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी मतलब जो नेक इंसान हो ना इस दुनिया में जो सब तक नेक इंसान, मैं उससे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई साहब कम से कम एक आदमी तो इस चीज़ पर रिएक्शन ले के मतलब भाई साहब हो क्या रहा है इन टैक्सी वालों के साथ, ऐसे ही चले जा रहा है भगे जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं, कुत्तों वाली हालत हो रही है, घर पर गाड़ी मंगा रहे हैं बंदे, कम से कम इतना तो कि 200 मीटर पर आप जाकर क्लाइंट लोकेट कर दो या तो गली में नहीं पहुँच रही गाड़ी तो, ठीक है आपकी पहुँचे नहीं पहुँचे उसे मतलब नहीं है, आप घर पर गाड़ी लेके आओ, आपकी बैक हो रही है नहीं है मेरे को ड्रॉप घर पर करो ना, अब चाहे तुम 3 किलोमीटर पीछे बैग घुमा के गाड़ी ले, इतना बुरा हाल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मुझे दिल्ली के अंदर टैक्सी चलाते भाई साहब 2009 में मैं गाड़ी चलाना सीखा था, 10 में मैं संपूर्ण रूप से गाड़ी चलाने लग गया था दिल्ली के अंदर, और आज 19 चल रहा भाई साहब 10 साल में इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा जितना आज सिचुएशन दिल्ली के अंदर हो रही है, जय हिंद भाइयों, सभी भाइयों तो मेरा राम राम, और ओला उबर के सभी भाइयों इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो, भाई साहब हम कम से कम एक महीने तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, इतना तो है सब में इतनी गुंजाइश है, कम से कम कंपनी वाले जब तो झुकेंगे भाई, नहीं तो नहीं झुकेंगे वो, तो मैं कल 4 रुपये किलोमीटर 3 रुपये किलोमीटर भाई साहब आपके बालक भी चलाएंगे, कोई और भाई भी तो आगे चलाएगा, इसका सिस्टम तो बनना चाहिए।